एक इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव दिया हुआ है ना, द इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज वाई इज इक्वल टू इतना इतना इतना, है ना। पहला पार्ट क्या है, इन विच डायरेक्शन डज द वेव ट्रैवल, तो भाई वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है, प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स, ये कैसे डिसाइड करते हैं। अगर एक्स का और टी का कोफिशेंट सेम साइन का हो तो वेव जाती है नेगेटिव एक्स में, ठीक है, जबकि यदि अपोजिट साइन का हो तो पॉजिटिव साइन में। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक्स का कोफिशेंट कितना है प्लस 31.4 और टाइम का कोफिशेंट कितना है प्लस 314, दोनों का साइन एक ही है, तो वेव कहाँ जाएगी, राइट लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी, पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट क्या बोला है, देखो, फाइंड द वेव स्पीड, वेव लेंथ एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव। भाई वेव स्पीड क्या होती है, वेव स्पीड होती है ओमेगा बाय के, है ना, और ओमेगा क्या होता है, टाइम का कोफिशेंट ओमेगा होता है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू है 314 और वो सेकेंड इनवर्स में है, और के की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशेंट होता है के, यानी कि प्रोपागेशन कांस्टेंट। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है ना। अब वो प्रोपागेशन कांस्टेंट अपने को 31.4 मीटर इनवर्स दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, 10 मीटर ऊपर चले जाएगा, सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेव स्पीड हो गई, ठीक है। वेवलेंथ की बात की है, वेवलेंथ कैसे निकालते हैं अपन, वेवलेंथ होता है के की बात करता हूँ मैं, के प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है 2π/λ। अब तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 2π/k, और k की वैल्यू अभी बताया, x का कोफिशेंट जो कि कितना दिया हुआ है 31.4, है ना, तो 2π/31.4 आ गया। अब पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 3.14/31.4, कट के कितना बन गया 10, 2/10 कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। अब सब कुछ ऐसा ही में है ना यार, ये जो k है वो किस में दिया हुआ है, मीटर इनवर्स में दिया हुआ है, तो ऐसा ही में रखोगे अगर k को तो लैम्डा भी ऐसा ही में ही आएगा, है ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है यूनिट्स की। तो वेव स्पीड आ गई, लैम्डा आ गया यानी कि वेवलेंथ आ गया, और फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π f, है ना, ओमेगा कहाँ है, ये रहा ओमेगा, टाइम का कोफिशेंट 314, तो 314 इज इक्वल टू 2 × π की वैल्यू 3.14 × f, इससे इसको काटूंगा तो क्या बचेगा 100, और 100 और 2 को काटूंगा तो क्या बचेगा 50, तो f की वैल्यू कितनी आ गई भाई 50, है ना, तो 50 हर्ट्स आएगा। क्यों हर्ट्स आया, क्योंकि भाई वो ओमेगा अपने को सेकेंड इनवर्स में दिया हुआ है ना, तो ऐसा ही यूनिट में दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी भी ऐसा ही यूनिट में ही आएगी जो कि हर्ट्स होती है। तो ये सेकेंड पार्ट के 3 आंसर आ गए, ये और ये, पार्ट बी हो गया सॉल्व। अब मैं पार्ट सी में आता हूँ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग ना लिख के उसको पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग लिखता तो समझने में ज़्यादा आसान होता, ठीक है, तो मैं उसको पार्टिकल पढ़ लेता हूँ। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग। भाई कोई भी रस्सी का जो पार्टिकल है वो क्या है, वो मीडियम का पार्टिकल है। मीडियम क्या करता है, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है ना, और उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड, और ये लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड। वेव की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस या प्लस ओमेगा टी से कंपेयर कर सकता हूँ मैं इस इक्वेशन को, तो ए की वैल्यू अपने को साफ दिख रहा है 0.1 है, और वही पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस, है ना, तो वो कितना आ गया 0.1 mm। अब मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड अगर किसी को याद हो तो पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है ए इंटू ओमेगा। अब वो कैसे आता है, नहीं आता तो जान लो,
इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा, है ना। तो डी एल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू आएगा ए, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, कॉस क्या हो गया के एक्स माइनस ओमेगा टी, और चेन रूल लगा के इसको भी डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा के एक्स, तो के एक्स का डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि के एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ज़ीरो, और माइनस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये प्लस ओमेगा टी है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, है ना। तो डेल, अब ये डेल वाई बाय डेल टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है भाई, वो कितना आ गया ओमेगा इंटू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, सॉरी प्लस ओमेगा टी। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, वन, तो वी पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू ओमेगा, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू होती है ए इंटू ओमेगा, पहली बात तो ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, है ना। अब ए कितना है मेरे पास 0.1 mm, और ओमेगा कितना है भाई, कहाँ गया, टाइम का कोफिशिएंट कितना है 314, तो 314 सेकेंड इनवर्स। अब ये mm को ना, अब पीछे आंसर में सेंटीमीटर में दे रखा है, हाँ तो mm को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ यार, उसमें क्या है, तो 0.1 mm मतलब क्या होता है, एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1 mm मतलब कितना हो गया 0.1 cm, है ना। तो 1 mm को मैं भाई 0.1 × 1 mm लिखा पहले इसको, उसके बाद 1 mm को क्या किया 0.1 cm इंटी 314, तो ये 0.1 और 0.1 यानी कि 0.01 इंटू 314 करोगे तो क्या आएगा 3.14 cm, और ये सेकेंड इनवर्स तो जिंदा ही, तो पर सेकेंड, दिस इज द आंसर, परफेक्ट, है ना, 3.14 cm पर सेकेंड। ये वेव की स्पीड है क्या, नहीं, ये क्या है, पार्टिकल की स्पीड है, पार्टिकल की स्पीड, वो भी मैक्सिमम वाली, तो ख़त्म, थैंक यू।